नर्मदे हर, नर्मदे हर। आज 15 फरवरी और सुबह के 7 बजे रात्रि को हम करौली के इस पाटीदार समाज के मंदिर में रुके थे, आश्रम में, और यहाँ से अब आगे बढ़ रहे। चले नर्मदे हर, नर्मदे। करौली गांव के बीचों बीच एक भगवान स्वामी नारायण की बहुत ही सुंदर मंदिर है। और अभी हमने करौली गांव को पार किया है। बहुत ही सुंदर गांव है और संपन्न भी है। यहाँ की मोस्टली प्रजा, मैं कल वीडियो में बता चुका हूँ, पाटीदार समाज से है और परिक्रमा वासियों के प्रति भी बहुत ही श्रद्धावान लोग हैं। जय सूर्यदेव। और करौली से हम करीब 500-600 मीटर आए और यहाँ पर एक राज बताता हूँ आपको, एक राज बताता हूँ। देखिए, करौली अभी भी 1 किलोमीटर दूर है और इसका रहस्य मैं ये बताता हूँ कि करौली जो गांव है वो आगे है और वो मिश्रित प्रजा वाला गांव है। तो इन पाटीदारों ने अपनी एक अलग से बस्ती बना दी बाहर की तरफ, दूसरा करौली, और इसीलिए वैसे तो करौली एक ही गिना जाता है, मगर दोनों के बीच 1 किलोमीटर और 1.5 किलोमीटर का गैप पड़ जाता है। वो रहा वो पीछे करौली और एक करौली आएगा आगे, और वाकानेर की दूरी यहाँ से है 15 किलोमीटर। नर्मदे हर। और ये आ गया दूसरा करौली, और गांव में प्रवेश करते देखे नंदी महाराज के दर्शन, और बहुत ही अजीबो गरीब कलर है नंदी महाराज का। नर्मदे हर, नर्मदे हर बेटा, नर्मदे हर। एक कुत्ता, ये क्या परिक्रमा से बिस्किट देते नहीं, इसलिए बेचारा आशा रखता, उम्मीद रखता, पर हमारे पास है नहीं, है नहीं, कुछ नहीं है बेटा। चल जा, 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 जा। ये इन बाबा जी के पास कुछ होगा शायद। अरे नहीं भाई, चने खाएगा थोड़ी है, खाएगा चने खाएगा, खाएगा। ए वो ऊपर ऊपर देखो देखो देखो, देखो राजू भाई भाई। और करौली से हम करीब 3 किलोमीटर आते इस रास्ते पर,
तो ये चार रास्ते पड़ते हैं और यहाँ से हमें राइट की तरफ जाना है, अजंता की तरफ। ये सीधा रास्ता, चलिए भाई करवा दो तुम्हारा जीना का ही। राइट में मुड़िए, और करौली से 4 किलोमीटर चलकर आते हैं तो एक गांव आता है वड़गाम खेड़ी, और यहां से अजंता की दूरी 7 से 8 किलोमीटर है। और यहां से हम गुजर रहे थे, या गांव का नाम क्या बोले थे? हाँ, वड़गाम खेड़ी से गुजर रहे थे, एक सज्जन ने हमें चाय के लिए आमंत्रित किया। नर्मदे हर, बड़गाम खेड़ी से चाय प्रसाद पाकर हम रवाना हुए, और ये पूरा गांव बहुत ही श्रद्धावान था। जितने भी रास्ते में मिल रहे थे प्रति व्यक्ति नर्मदे हर कर रहा था, बच्चे से लगाकर बूढ़े तक नर्मदे हर माता जी। और एक भाई साहब सज्जन बाइक पर बैठे हुए थे, नर्मदे हर तो शायद उन्होंने किया था, मगर उनके पीछे एक भाई आ रहा था, उन्होंने देखा कि शायद उसने नर्मदे हर नहीं किया, तो उनको डांट लगाई कि परिक्रमा वासी आ रहे हैं तो नर्मदे हर बोलने में जोर पड़ रहा है क्या। बहुत अच्छा गांव था। यहाँ से 11 किलोमीटर यहाँ से 11 किलोमीटर वाकानेर है। और इस वाले खेत में मक्का बहुत ही अच्छा हुआ है, दूर दूर तक मक्का किया हुआ है। और करौली गांव को पार कर आते हम 1-1.5 किलोमीटर, रास्ते में एक मंदिर बन रहा छोटा सा, वहां पर विश्राम के लिए बैठे हैं। अभी तक मंदिर पर तो सत लगी नहीं, हमने आसन लगा दिए। और रास्ते में ये नारंगी का बगीचा है, देखिए फल भी लगे मगर कच्चे अभी तक। और इस एरिया में मैं पिछली बार भी दिखा चुका हूँ, फलों के बगीचे बहुत ज़्यादा है। हाँ, वो उधर भी दिख रहा था। और इस तरफ के खेत ये नारंगी के है, और इस तरफ जामफल का बगीचा है। और बड़गांव से अजंता तक ये जो बीच में खेत है, इनमें ज़्यादातर ये बगीचे ही है, नारंगी जामफल और नींबू के। और अजंता से कोई 2-2.5 किलोमीटर पहले एक मंदिर आता है, और बहुत ही सुंदर मंदिर है, पिछली बार भी मैंने आपको दर्शन करवाए थे। यहाँ पर एक बावड़ी भी है। बजरंगबली हनुमान दादा, और बाहर से भी है। हाँ,
दिखा ना जी। हाँ, ये मंदिर के अंदर बावड़ी है और इसका जो मुख्य दरवाजा वो इधर से देखिए लॉक किया हुआ है। कोई जाए नहीं निकले। और यहाँ पर नीम के पेड़ के नीचे भोलेनाथ विराजमान है। जय भोलेनाथ शिव शंभो।